हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल गणित ज्ञान। तो आज का जो वीडियो है, सिक्स क्लास की बात करेंगे हम, एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी सीबीएसई मैथमेटिक्स। अपना जो आज का टॉपिक है वो एडिशन ऑफ इंटीजर्स रहेगा, एंड एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2 सीखने वाले हैं। द क्वेश्चन नंबर 2 इज यूज नंबर लाइन का इस्तेमाल करेंगे हम एंड एड द फॉलोइंग इंटीजर्स। सो जैसे कि आप देख सकते हो, पार्ट ए जो है दैट इज 9 में हम ऐड करेंगे -6। तो ये रही आपके पास नंबर लाइन, ये आप देख सकते हैं, और ये लिखे हमने नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स। तो देखिए बेटा, क्या करना है, सबसे पहले 9 प्लस करना है ना। सो 9 देखते हैं सबसे पहले कहाँ है। 9 ये रहा, तो हम यहाँ सिंपल इसको डार्क करेंगे, यानी कि 9 अपने को मिल गया है। प्लस करना है, अब देखिए प्लस करेंगे तो हमने चलना है राइट साइड में, ठीक है, हम चलेंगे राइट साइड में। प्लस करते हैं तो सिंपल राइट साइड में चलना रहता है अपने को, परंतु जो प्लस करना है वो प्लस क्या है बेटा, -6 है, तो इट मींस हम लेफ्ट साइड में चलेंगे, है ना। अगर +6 रहता यहाँ पर तो राइट में चलते, -6 है इट मींस लेफ्ट में चलेंगे। कितने स्टेप, 6 है तो 6 स्टेप चलेंगे। देखिएगा 1 2 3 4 5 6, कहाँ पहुंच गए हम, 3 पर। सो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा बेटा, 3। आई होप आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाए होंगे। अगर आपके पास ये क्वेश्चन सिंपल फॉर्मेशन में आता तो बेटा आप कैसे करते, 9। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर प्लस और माइनस, डिफरेंट सिंबल जब भी रहते हैं तो माइनस आता है, ठीक है। डिफरेंट सिंबल ब्रैकेट के बाहर और अंदर है तो ब्रैकेट हटाएंगे और माइनस का सिंबल लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर 6 है तो 6, अब 9 - 6 क्या होता है, 3। आई होप प्यारे बच्चे आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अपने को क्या करना है, नंबर लाइन का इस्तेमाल करना है और ऐड करना है। क्या 5 में ऐड करना है -11 को, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। सो ये रही नंबर लाइन और ये लिख दिया हमने नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 5 देखते हैं कहाँ है। 5 आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये रहा। अभी करना क्या है, प्लस करना है तो राइट साइड में चलेंगे, बट -11 है तो इट मीन्स लेफ्ट साइड में चलेंगे। कितने स्टेप, 11 स्टेप। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कहाँ पहुंच गए हम, -6 पर। तो आंसर क्या आएगा बेटा, -6। अगर इसको हम पिछले क्वेश्चन की तरह मैं करके बताऊं तो आप समझ तो गए हैं, वैसे ब्रैकेट के बाहर और अंदर डिफरेंट सिंबल है तो -11। अभी 5 - 11, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो आपके लिए 5 - 3 करना आसान है, 5 - 2 करना आसान है, 5 - 5 करना आसान है, लेकिन 5 - 6 करना आसान नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, माइनस करना है, माइनस में हम क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, तो 11 और 6 का डिफरेंस कितना आएगा, 6। अभी क्या करेंगे, बड़े नंबर जो कि 11 है उसके आगे माइनस का निशान है तो माइनस का निशान लगा देंगे, ठीक है बेटा, ऐसे इनको करा जाता है। चलिए अगला और थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा देखे बेटा, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको अपना टेस्ट करना है कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ आया नहीं आया, तो उसके लिए हम आपको एक टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, बताएंगे वो कैसे करना है। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा देखिएगा, नंबर लाइन का इस्तेमाल करके हमने ऐड करना है। सो क्वेश्चन ये रहा, -1 में ऐड करना है -7 को। बेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों के दोनों नेगेटिव नंबर है, ऋणात्मक संख्या है अगर हम हिंदी में कहें तो। इनको करना क्या है बेटा, -1 देखो कहाँ है, -1 ये रहा, -1 में क्या करना है बेटा, प्लस करना है तो राइट में चलेंगे, लेकिन प्लस करना क्या है, -7 करना है, इट मींस लेफ्ट में चलेंगे, ठीक है। कितने स्टेप, 7 स्टेप चलेंगे बेटा। सो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। हम पहुंचे कहां पे बेटा, -8 पर। तो आंसर यहां पर कितना आ जाएगा बेटा, -8, ठीक है। अगर मैं आपको पिछले क्वेश्चंस की तरह थोड़ा सा बताऊं तो देखिएगा बेटा, ये ब्रैकेट हटा देते हैं, -1 को सिंपल लिख देते हैं, अब ब्रैकेट के बाहर और अंदर डिफरेंट सिंबल है तो माइनस और ये 7। तो बेटा यहाँ पर करेंगे क्या, -1 - 7, यानी दोनों सेम सिंबल है तो ऐड होगा इनका, 7 + 1 = 8, और आएगा कौन सा सिंबल, बड़े नंबर के साथ जो भी सिंबल है दैट इज माइनस। और वैसे भी हम कहें तो माइनस वाली वैल्यू में माइनस वाली वैल्यू को ऐड करेंगे तो माइनस वाली वैल्यू ही रहेगी और दोनों ऐड हो जाते हैं, ठीक है बेटा। आई होप आप समझ पा रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, नीचे जरूर कमेंट करिएगा। चलिए अभी करते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट अपना है यूज नंबर लाइन एंड ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स। तो अगेन अपने पास इंटीजर्स है, -5 में 10 को ऐड करना है बेटा। सो ये नंबर लाइन रही और ये हमने लिखे नंबर्स। अभी -5 देखिए बेटा कहाँ है, -5 ये रहा, प्लस करना है, कितना करना है, 10।
प्लस 10 कर रहे हैं तो प्लस करना है मतलब राइट साइड में चलेंगे और 10 यानी कि 10 स्टेप चलेंगे, ठीक है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हम पहुंच गए बेटा यहाँ पर 5 पर, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा बेटा 5। आई होप आप अच्छे से समझ पाए हैं, ठीक है। इसको अगर हम बताएं तो ब्रैकेट हटा के लिखेंगे तो कुछ ऐसे लिखेंगे, ये अपने पास 5 आंसर आ जाता है। दूसरा अगर मैं बताऊं तो 10 को अगर हम आगे लिख दें तो माइनस 5 इसके पीछे लिखा जा सकता है, 10 माइनस 5 5 ही रहता है, तो ये अपना आंसर आ जाता है बेटा, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है आपको और आप समझ पा रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, ई पार्ट करेंगे बेटा। अभी ई पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही थोड़ा सा मिलना है हमने को, लेकिन इसमें 3 नंबर आ गए तो यहाँ पर घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम समझा रहे हैं ना आपको। चलिए सो ये रही आपके सामने नंबर लाइन और ये लिखे नंबर्स। सो बेटा यहाँ पर 3 नंबर है तो एक बार ना इसको थोड़ा छोटा सवाल समझते हैं, यानी कि हम समझते हैं कि बस इतना सा है अपना सवाल, ठीक है। भूल जाते हैं कि माइनस 3 तो है ही नहीं। तो बेटा माइनस 1 देखो, सबसे पहले कहा माइनस 1, ये रहा माइनस 1 में करना क्या है, प्लस करना है कितना, माइनस 2। माइनस 2 करना है तो लेफ्ट साइड में 2 स्टेप चलेंगे तो 1 और 2। कहां पहुंच गए बेटा, हम पहुंच गए माइनस 3 पर, यानी कि माइनस 1 और माइनस 2 का जो सम है वो आ गया माइनस 3। समझ गए इस बात को, अगर ये सवाल आपके पास इतना ही होता तो ये आंसर था, परंतु नहीं, इससे आगे भी करना है। क्या करना है, प्लस करना है, कितना प्लस करना है, माइनस का 3 इसमें प्लस करना है, तो यहाँ भी हम ब्रैकेट लगा देते हैं, इट मीन्स माइनस 3 में प्लस करना है माइनस 3 को। तो बेटा यहां तक तो हम माइनस 3 तक पहुंच गए हैं, अभी क्या करना है, प्लस करना है, परंतु कितना, माइनस 3, यानी कि लेफ्ट साइड में चलेंगे और कितने स्टेप, 3 स्टेप। सो 1, 2, 3 और कहां पहुंच गए हम, माइनस 6 पर पहुंच गए। सो आंसर बेटा आ जाएगा माइनस 6, यानी कि ऐसा पहले भी तो करवाया था ना कि दोनों नेगेटिव नंबर हो तो उनका सम कितना आता है, नेगेटिव आता है। सो यहां पर आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं, दैट विल बी माइनस 6 और यहां पर ये अपना फाइनल आंसर है बेटा। ई पार्ट था, एफ पार्ट भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है तो उसमें भी हम 3 पार्ट जो है ऐड करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखिए बेटा यहाँ पर भी 3 जो है आपके पास नंबर्स हैं, सो इसको भी हम टुकड़ों में डिवाइड करके करेंगे बेटा। सबसे पहले क्या करते हैं, हम छोटा सवाल समझ लेते हैं, यानी कि माइनस 2 प्लस 8 मान लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 बेटा कहाँ है, माइनस 2 देखो ये रहा, समझ पा रहे हैं मेरे हिसाब से आप, प्लस करना है, कितना करना है 8, तो 8 स्टेप राइट साइड में चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। हम पहुंच गए बेटा 6 पर, यानी कि इनका आंसर आ जाता है 6 और 6 में क्या करना है, अभी जो आंसर आया उसमें प्लस करना है, कितना प्लस करना है बेटा, माइनस का 4, ठीक है। तो चलिए 6 में प्लस करना है परंतु कितना, माइनस 4, तो कौन से स्टेप, मतलब प्लस 4 करते तो राइट में चलते हैं लेकिन माइनस 4 करना है तो लेफ्ट में चलेंगे। तो बेटा ऊपर हम ज्यादा नहीं करके इसको नीचे से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, 4 स्टेप लेफ्ट साइड में। सो 1, 2, 3, 4 हम पहुंच गए बेटा यहां पर, तो ये अपना आ गया है आंसर, दैट इज 2। समझ गए, थोड़ा सा और मैं आपको बताऊं तो 6 और ब्रैकेट के बाहर और अंदर डिफरेंट साइन है, सो माइनस आएगा और 4, 6 माइनस 4 कितना होता है बेटा 2, तो ये आ गया है अपना आंसर। तो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज कमेंट करके अपने व्यूज बताएं, वीडियो में जो है डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेक करें, वहां पर आपको टेस्ट लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करके आप डिटेल्स भरेंगे और टेस्ट करेंगे अपना, सो देट आप समझ पाएंगे बेटा कि आपको ये टेस्ट अच्छे से, मतलब आप समझ पाए नहीं समझ पाए, नंबर लाइन तो नहीं मिलेगी आपको वहां पर, सिंपल आपने जो है ऐड करना रहेगा इन क्वेश्चंस को, है ना, सिंपल ऐड करके देखेंगे आप और आप अपना टेस्ट जान पाएंगे वीडियो में आपको कितना समझ आया, ठीक है बेटा। कमेंट जरूर करें, लाइक भी करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और व्हाट्सएप फेसबुक पे जो है इसको स्टेटस भी लगा दीजिएगा, ओके।